सलमान खान गिफ्टेड अ लग्जरियस हाउस टू रानू मंडल। रानू मंडल का घर अंदर से दिखता है ऐसा। रानू का ये 2 BHK फ्लैट किसी लग्जरियस विला से कम नहीं है। झुग्गी में रहने वाली रानू का अचानक से इस महल में आ जाना वाकई बहुत अद्भुत है। आज रानू के हुनर ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। आलिशान घर, वेल फर्निश्ड घर में रहने का सुख अब जाके रानू को नसीब हुआ है। भले ही सलमान और हिमेश ने रानू की एंट्री बॉलीवुड में करवाई हो, पर रानू की सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट उनका वीडियो बनाने वाले अतिंद्र चक्रवर्ती को जाता है। रेलवे स्टेशन पर रानू का गाया एक गाना कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाती हुई रानू नजर आई थी। रेलवे स्टेशन पर गाने गाकर लोगों से पैसे मांगने वाली रानू का वीडियो रानाघाट स्टेशन पर अतिंद्र चक्रवर्ती ने शूट किया था, जो 21 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उनकी गायकी की देश भर में तारीफ हुई। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया ने जब रानू का ये वीडियो देखा तो वो भी उनके कायल हो गए। उन्होंने रानू से अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर का एक गाना रिकॉर्ड करवाया है। आपको बता दें, सलमान के कहने पर ही हिमेश ने रानू को ये मौका दिया। रानू सलमान की दबंग 3 में भी एक रोमांटिक गाना गाती नजर आएंगी। अब खबर है, सलमान को जैसे ही रानू की लाचारी और गरीबी का पता चला, भाई ने तुरंत एक लग्जरियस फ्लैट रानू को दिलवा दिया और रानू अपने खुद के मुंबई स्थित घर में आराम से रह रही है। ये पहली बार नहीं है जब सलमान ने ये दरियादिली दिखाई है। अक्सर देखा गया है सलमान हर जरूरतमंद का सहारा बनते हैं। मुंबई में गाने की रिकॉर्डिंग पूरी कर जब रानू कोलकाता पहुंची तो एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। बहुत से लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। दीवानी एक प्रेम दीवानी।